हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हेमंत राजपुत्र, आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन है एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन में, जहां पर आप यहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इंट्राडे करते हैं, ठीक है, या फ्यूचर ऑन ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करते हैं, तो दोस्तों आपको कुछ भी ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन में आपको रुपया ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग बिगिनर होते हैं, जिन्होंने अभी चलाना सीखा होता है, उनको पता नहीं होता है किस तरीके से रुपया ऐड करें, तो उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। आप यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर रुपये ऐड कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब आपको सबसे राइट में नीचे अकाउंट के ऑप्शन पर जाना है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करेंगे दोस्तों, सबसे ऊपर दिया हुआ है ट्रेडिंग बैलेंस, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 68 रुपीज़ 50 पैसा है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन भी दिया हुआ है और ऐड फंड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग ऐड फंड पर क्लिक कर देंगे क्योंकि हमको रुपए ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ 200 रुपये, ठीक है, या फिर चलिए मैं यहाँ पर 300 रुपये कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने 300 रुपये कर लिया है। और अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो पेमेंट है, जो भी बैंक अकाउंट आपका रजिस्टर्ड होगा, जो लिंक होगा, उसी बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। फिर आप पेमेंट मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका UPI कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं। UPI में भी आपके बहुत सारे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे 300 रुपये आपको करना है, तो मैं यहाँ पर फ़ोनपे का यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फ़ोनपे पर क्लिक कर देता हूँ और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रोसीड टू ऐड फंड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग फ़ोनपे पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं 300 रुपये का जो पेमेंट है वो मैं कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 300 रुपये का जो पेमेंट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। और देख सकते हैं कि हमारे जो वॉलेट में है, अब यहाँ पर रुपया हो चुका है 368 रुपीज़ 50 पैसा हो चुका है। पहले कितना था, 68 रुपीज़ 50 पैसा था, अब यहाँ पर 368 रुपीज़ 50 पैसा हो चुका है। सो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर एंजल वन में रुपए को ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, ऐसे ही ट्यूटोरियल्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली शेयर मार्केट से रिगार्डिंग नॉलेज मिलता है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।